सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि उससे ही आपको न्यू वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि कैसे आप घर पे ही, अगर आपके पास फेशियल किट है जिसमें 5 तरह की डिफरेंट क्रीम्स होती हैं और आपको अगर फेस मसाजर है तो आप कैसे अपने घर पे ही फेशियल कर सकते हैं। मैंने पहली बार ये फेस मसाजर खरीदा है और मैं आपके सामने ही ट्राई कर रही हूँ पहली बार। तो जब मैंने इसे फेस मसाज किया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा काम मशीन ही कर देती है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका है फेशियल करने का। आप चाहे तो ये मशीन खरीद सकते हैं, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती, 250 से 500 के बीच में आपको ये मशीन मिल जाएगी अमेजोन पे। और ये जो फेशियल किट है ये वाड़ी से है और वाड़ी में और भी स्किन टाइप के लिए जो फेशियल किट होती है वो मिलती है। एंटी एजिंग वाली मैंने फेशियल किट ली है और भी अलग तरह की मिलती है, जिसमें एक्ने स्किन के लिए, हाइपर पिगमेंट स्किन के लिए भी अलग अलग तरह के फेशियल किट्स हैं। तो जैसी आपकी स्किन है आप उस तरह का फेशियल किट ले सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे मैंने ये सारा फेशियल मसाज घर पे किया। फेशियल मसाज करने से पहले हम अपने चेहरे को धोकर आएंगे, तो मैं अभी आती हूँ अपना फेस वॉश करके। तो मैंने फेस वॉश से अपना फेस धो लिया है, अब मैं टॉवल से पोंछ लेती हूँ। अब मैं एक अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैंड लगा लेती हूँ। बैंड लगाने के बाद अब मैं एक टॉवल भी, अपने टॉवल को भी ऐसे लगा लेंगे हम। अब हम करेंगे अपना फेशियल मसाज। तो सबसे पहले जो क्रीम है ये क्लेंजिंग क्रीम है, आपके फेस को क्लीन करेगी। तो मैं सबसे पहले ये वाला यूज कर रही हूँ। ये एक छोटा सा स्पंज है और इसमें बहुत आसानी से बस आपको ऐसा डालना है और ट्विस्ट करना है तो आपका लग जाएगा ये फेस मसाजर। और ऑन करेंगे तो ये रोल रोल घूमने लगता है। तो सबसे पहले मैं अपनी क्रीम लूंगी, क्लेंजिंग क्रीम को पूरे फेस पे लगाना है। तो अब हम सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप होता है फेस को क्लीन करना, तो क्लेंजिंग हो गया क्लेंजिंग क्रीम से। अब हम फेस स्क्रब लगाएंगे, उससे जितने भी आपके डेड सेल्स हैं वो हट जाएंगे। तो हम फेस स्क्रबिंग के लिए ये ब्रश वाला जो अटैचमेंट है ये इसमें लगाएंगे और ये बस प्रेस करना है, लग जाएगा। फिर उसके बाद तो स्क्रब हो गया है, अब एक वेट टॉवल से आप अपने फेस को साफ कर लीजिए। दो स्टेप्स हो गए हैं, अब हम तीसरा स्टेप करेंगे और थर्ड स्टेप है मसाज क्रीम। हम ये रोलिंग वाला ये फेस मसाजर होता है तो हम ये लगाएंगे। मसाज जेल, तो अब मसाज जेल लगाएंगे।
थोड़ा सा स्क्रबी सा है। वेट टॉवल से पोंछ लीजिए। अब आखिरी लास्ट स्टेप बचा है जो कि है एक फेस पैक। तो फेस पैक को आप सिंपली लगाना है और उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए जब तक वो सूख नहीं जाता, और फिर आप फेस वॉश कर सकते हैं। तो फेस पैक को लगाने के लिए मैं ब्रश ले रही हूँ। ब्रश को थोड़ा सा गीला कर लेना है। तो फेस पैक को लगा के रखना है जब तक ये सूख नहीं जाता, तो उसके बाद अपना फेस धो लीजिए। अभी ये मेरा फेस पैक सूख गया है और मैं इसे धो लेती हूँ। होप आपको वीडियो ये पसंद आया हो, क्योंकि ये जो मैंने फेशियल मसाज किया उसके बाद मेरी स्किन बहुत ही हल्की लाइट फील हो रही थी और बहुत ही फ्रेश फील हो रहा था। फेस पे अच्छा सा एक ग्लो आया। ये आई थिंक बहुत अच्छा तरीका है, आप घर पे ही कर सकते हो। और ये जो फेशियल किट है, ये एक बार आप खरीदोगे तो 6 महीने की तो आपको छुट्टी। अगर आप महीने में 2 बार भी करोगे फेशियल तो भी ये 6 महीने आराम से चल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय।